जी वालेकुम अस्सलाम। ये आपका नाम? माय नेम इज चांद, टिकटॉक स्टार। यू सेल्फ इज वेरी मूवमेंट एप्लीकेशन इज ओर आर मल्ला रहमानपुर अल्लाह बोल माई चंगड़ी एंड बारशाह मेला जुआए एंड रन मनी वन नंबर। यू सेल्फ इज मूवमेंट एप्लीकेशन इज ओर राइट एंजॉय एंड वेरी बुढ़ी के धक्के खाएंगे एंड मेले पे एंजॉय करेंगे आई इज मज़ा आई। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा प्यारा आपका इंट्रोडक्शन है। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं इस टाइम फरुखाबाद के साथ गाँव बाहर है, बेसिकली वहाँ का रहने वाला हूँ। इधर हमारे दोस्तों ने इनवाइट किया था जिस वजह से हम आए हैं, और बहुत परेशानी के आलम में था। वो कहते हैं ना जनानी के, वो डर की वजह से भी कहते हैं मेले के कुछ लम्हात हैं कि ये ज़ाया ना हो, और ये लम्हे खुशगवार करवाने आए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। और तमाम रन मरीजों से मेरी दरख्वास्त है वो मेले पे आएँ और इंजॉय करें और अपनी ज़िंदगी को दुबला करें, और घर में रहने के बावजूद टेंशनें बढ़ती हैं तो इस वजह से आप मेले पे आके अपने आप को बेहतरीन कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। इस वजह से उस्ताद जी आपकी शादी हुई है? इंशाल्लाह मेरी शादी हुई है और 3 बच्चे हैं। अब तक क्या क्या देखा? मैंने ये मौत का खूह देखा है, और ये जो ये लकी रानी सर्कस ये बंद है, और ये झूले वगैरह तो डर लगता है क्योंकि इस वजह से देख नहीं पाया, वैसे इंजॉय कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह जब बेगम सो जाएगी फिर घर जाके तो फिर मैं भी सो जाऊंगा। अच्छा माशाल्लाह, आप बेगम का बड़ा बार बार जिक्र कर रहे हैं, इसमें राज क्या है? सर इसमें बहुत राज है, अगर बंदा कुछ समझ जाए तो तर जाता है, ना समझे तो मर जाता है। क्योंकि अगर बेगम की खिदमत करेंगे तो ना आपको खांसी नज़ला ज़ुकाम कुछ नहीं लगेगा। अगर आप उसकी खिदमत करोगे तो आपकी ज़िंदगी खुशहाल रहेगी। अगर उनकी खिदमत करोगे आप सोरे जाएंगे, आपको अच्छे खाने मिलेंगे। क्योंकि इस वजह से रन मरीज होना ज़रूरी है, क्योंकि रन मरीजी के बगैर ज़िंदगी बेकार है। इस वजह से तमाम बड़े छोटों से मेरी दरख्वास्त है कि राणा चांद टिकटॉक स्टार के कहने पे चले और अपने घर को फेमस रखें। आई लव यू वीर बादशाह ग्रेट लव। बहुत शुक्रिया जी आपका। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया। वालेकुम सलाम सर। ये आपका नाम? गोगा जरीफ। गोगा जरीफ, अच्छा आप शक्ल से कोई फनकार नजर आ रहे हैं, क्या वाकई फनकार हैं या शक्ल से लग रहे हैं? नहीं सर वाकई फनकार हैं। क्या क्या कर लेते हैं, क्या फनकारी आपके अंदर है? मेरे अंदर बहुत फनकारियाँ हैं, गाना गा लेता हूँ। अच्छा। अदाकारी कर लेता हूँ और डांस कर लेता हूँ। अच्छा। तो आ मैं आपको मुनव्वर जरीफ साहब की एक छोटी सी अदाकारी दिखा सकता हूँ आपकी इजाज़त हो? मुनव्वर साहब कैसा बोलता है, जगीर कैसा बोलता है, उसकी माँ कैसी बोलती है, जरा मलादा फरमाओ। हीरो आया तो हीरो के साथ बोलने लगा, माँ मैं पास हो के आ गया। माँ मैं जे तू पास हो के आ गया तो ते तेरी भैन जगीरदार चुक के लै गए, मैं चुक के लै गई। नहीं माँ नहीं, तू तो मैनू कह तो पढ़ेगा तेन साह बनावे। हाँ जो उस माए ने साड़ी गैर हथ पा गए, चंगा नहीं किया माँ। माँ मैनू तेरे डुले हुए खून की कसमें, मैं उन्ना तक तेन अपनी शक्ल निभावगा जिन्ना तक वो जगीरदारू तेरे कदम लिया नहीं मारता। नहीं मैं जे तू टुर गया तो मैं कली रहेगी। माँ साड़ी गैरे का सवाल है, माँ मैं जान दे जावे तत्ती वाला लगे। माँ मैं कोई तंदूर से बैठा वा, माँ मैं जान दे। लो जो जगीरदार को जगीरदार किसान बोलते हैं मलाजा फरमाओ, बाहर निकलो कुत्तिया कमीनिया जगीरदारा। और तू तो मैंने कह दो पढ़ेगा तुम साफ बनावे, आए तू साड़ी गैर तू हथ पा के चंगा नहीं किया कमीनिया। तो जगीरदार बोलता और जे तू साड़ी वेले में चाय गया भुलिया तो तेरी भैन नहीं होए तो लाश मिलेगी। और नहीं वो कमीनिया ये फनकारी जिनकी बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा इन्होंने ये एक्टिंग करके दिखाई। अच्छा ये जो आपने ये जो आपने एक्टिंग की है बड़ी खूबसूरत अंदाज से की है, ये कहाँ से सीखा आपने? ये मेरा मुनव्वर साहब, उसको मैं बहुत प्यार करता हूँ, खुदा उनको जन्नत नसीब करे। वो अपना पाकिस्तान का बहुत बड़ा फनकार था, पाकिस्तान का वो पूरी दुनिया में मनिया तरने एक एक्टर था, मुनव्वर साहब, मुनव्वर शरीफ साहब। मैं उसका सलूट करता हूँ, मैं उसकी अदाकारी करता हूँ, उसके नाम से मैं रिज़्क़ कमाता हूँ यहाँ फिटर के। अच्छा इसके अलावा आप क्या क्या कर लेते हैं? गाना सुना सकता हूँ। अच्छा गाना सुनाए, ज़रा ज़रा ऊँची आवाज़ से सुनाइएगा, हमारे जो देखने वाले हैं ये भी ज़रा अच्छे तरीके से देख सुन सकें।
लगदा नहीं पता है जहान केड़े रंग दा हाल वैरिया लगदा नहीं पता है जहान केड़े रंग दा किसे वेले टुट पैना माफी भी नहीं मंगदा ओ लगदा नहीं लगदा नहीं पता है जहान केड़े रंग दा हाल वैरिया लगदा नहीं पता है जहान केड़े रंग दा कुड़ियां पंजाबियां सिरां तो नंगियां हो कुड़ियां पंजाबियां सिरां तो नंगियां भी मुंडियां दे हत्थां विच वेखियां ने कंगियां कुड़ी भी नहीं संग दी ते मुंडा भी नहीं संग दा ओ लगदा नहीं पता है जहान केड़े रंग दा क्या बात है जी क्या बात है बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके ये गाना सुन के इंशाल्लाह ताला फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात करेंगे दोबारा से जी अब तक चाहेंगे इजाज़त नेक्स्ट नई वीडियो में मिलते हैं।